धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों, अपने लास्ट पीरियड की अंदर काव्य एक की चर्चा करी थी और वर्ण विच्छेद पण सीख्या हता। आज आप व्याकरण विभाग में विरोधी शब्द विषय जाणीशुं। तमे बधाज विरोधी शब्द विषे जाणो छो। विरोधी शब्द एटले के ओपोजिट वर्ड्स, अने तमे एने हिंदी में विलोम शब्द कहो छो। गुजराती में पण एवी ज रीते आपणे विरोधी शब्द पण माने छे। बे शब्दनी वच्चे अहीं तमने आ क्रॉसनुं निशान देखाय छे, ए विरोधी शब्दनी निशानी छे कि एनाथी आ विपरीत शब्द छे ए बतावे छे। तो ज्यारे पण तमे विरोधी शब्द लखो त्यारे तमारे बे शब्दनी वच्चे आ क्रॉसनी साइन करवानी छे। तमारी टेक्स्टबुकनी अंदर पण पाछळ सौथी पाछळना पेज पर तमने विरोधी शब्द आप्या छे। आटला विरोधी शब्द तमारे परीक्षा माटे तैयारी करवानी छे। तो आपणे एक एक विरोधी शब्दने समजीशुं। तमारे पण मारी साथे नोटबुकनी अंदर एक एक लाइन छोड़ीने आ विरोधी शब्दनुं लेखन कार्य करवानुं छे। तो आपणे जोईए पहेलो शब्द स्वर्ग। स्वर साथे अहीं व जॉइंट छे, स्वर्ग। એનું વિરોધી નર્ક, નરક। નરક લખો તો પણ ચાલે અને નર્ક લખો તો પણ ચાલે। ધરતી, ધરતી। આકાશ, આ બધાને તમને ખબર છે ધરતીનો વિરોધી શબ્દ આકાશ। ગરમી, ઠંડી। ગરમીનો વિરોધી શબ્દ ઠંડી। ર અને આખી માત્રા અહીંયા રાણી અણ છે, અણ। રાણી, રાજા। રાણી, રાજા। જીવન, જી, આ જી છે। મન, મરણ। જીવન, મૃત્યુ અથવા મરણ તમે બંને લખી શકો। ભાઈ, બહેન। ભાઈ, બહેન। ની, એની સ અડધો છે, એની સાથે ફ છે, આ ફટાકડાનો ફ। નિષ્ફળતા, અડક। નિષ્ફળતા, નિષ્ફળતા મતલબ જબ હમ સક્સેસ નહીં હોતે કોઈ કામ કે અંદર તો નિષ્ફળ હોના। તમે હિન્દીમાં શબ્દ સાંભળો છે નિષ્ફળ, બરાબર? નિષ્ફળતા, જ્યારે તમે કોઈ કાર્યમાં સક્સેસ નથી થતા, ફેલ થઈ જાઓ છો, તો એને કહેવાય મને નિષ્ફળતા મળી કાર્યમાં। એનું ઓપોઝિટ છે સક્સેસ, સફળતા। તો નિષ્ફળતા, સફળતા। આળસુ, આળસુ મતલબ લેઝી। ઉદ્યમી મતલબ હાર્ડવર્કિંગ, જો બહુ જ મહેનત કરતા, એ ધ્ય હે, ધ્ય, ઉદ્યમી। આળસુનો વિરોધી શબ્દ આપ મહેનતુ ભી લીખ સકતે હો ઓર ઉદ્યમે ભી લીખ સકતે હો, દોનો ચલેગા। गुण मतलब जब हमें क्वालिटी होती है, गुण, बराबर, अच्छे गुण होना हमारे में जरूरी है, उसका ऑपोजिट है अवगुण। इसके सिवाय हम दुर्गुण भी लिख सकते हैं, जिसमें खराब गुण है उसको बोल सकते हैं कि इस इंसान के अंदर दुर्गुण भरे हुए हैं। जो दुर्जन है मतलब खराब आदमी है जिसके अंदर खराब गुण भरे हुए हैं, तो गुण उसका विरोधी शब्द है अवगुण। मित्र, ये सब आपको पता है, यहाँ शत्रु भी हम लिख सकते हैं। दुश्मन, श आता है उसके साथ म जॉइंट किया है, दुश्मन। पातड़ू, पातड़ू मतलब थीन, थीन, ये एकदम पतली लड़की है, तो गुजराती में ये भाई पातड़ू। थिक, थिक मतलब जाड़ू, मोटा जिसे हम बोलते हैं, तो पातड़ू, जाड़ू। लांबा, लांबा मतलब लॉन्ग, उसका ऑपोजिट है टूका, शॉर्ट। लांबा, टूका, इंग्लिश में टूका इन्हें कहवाय शॉर्ट, तो लॉन्ग, शॉर्ट। लांबा, टूका। मांदा, साजा। मांदा आ शब्द तुम्हारा माटे नवो छे। मांदा मतलब बीमार, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो गुजराती में कहवाय आ माणस मांदू छे, तो मांदा। उसका स्वस्थ जब हम होंगे तो उसके लिए विरोधी शब्द उसका लिखना है साजा, मांदा, साजा। शक्ति, पावर। अशक्ति, उसका ऑपोजिट है अशक्ति।
पालतू जो पैट है घर में, हम पालतू बिल्ली डॉग कुत्ता उसको हम घर में पाल सकते हैं, तो वो सारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, बराबर। जंगली जो जंगल में रहते हैं वो जंगली, तो पालतू उसका ऑपोजिट है जंगली। चौकी गंदी, चौकी मतलब साफ, उसका ऑपोजिट गंदी मतलब डर्टी, बराबर। तो चौकी गंदी, वापस एक बार मेरे साथ पढ़ना है आपको, स्वर्ग नरक, धरती आकाश, गर्मी ठंडी, रानी राजा, जीवन मरण, भाई बहे, निष्फलता सफलता, आलसू उद्यमी नहीं तो मेहनतू, गुण अवगुण, मित्र दुश्मन, पातलू जाड़ू, लांबा टूका, मांडा साजा, शक्ति अशक्ति, पालतू जंगली, चौकी गंदी। आम आपने विरोधी शब्द अँ पूर्ण करिया, आटला विरोधी शब्द तमारे समझीने तमारी नोटबुक की अंदर बाकी जो हो तो इन्हें लखवाना छे अने साथे याद पण करवाना छे। आवजो विद्यार्थी मित्रों।